हज़रत ईसा अलैह सलाम की पैदाइश से सदियों कबल इटली के दरियाए टाइबर के किनारे सात चोटी पहाड़ियों पर मिट्टी के बने सात गांव आबाद थे, जो वक्त के साथ साथ तरक्की करके रोम नाम के एक छोटे से शहर में तब्दील हो गए। अगली सदियों में इसने बहिरही रोम के इर्द गिर्द और दूसरे ममालिक पर कब्जा करके 1000 साल तक एक ताकतवर सल्तनत का मरकज बना। अपने उरूज पर रोमन सल्तनत ने 23 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर फैले 50 मिलियन से ज्यादा लोगों को कंट्रोल किया और इसकी एक इंतहाई मरकजी हुकूमत थी, जिसकी खसूसियात एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी और एक ताकतवर पहुंच थी। रूमी सल्तनत की बुनियाद रोम शहर ने रखी थी, जो वस्ती इटली में वाक़े था। 2000 कबल मसीह में स्विट्ज़रलैंड से बाज आर्याई बाशिंदे यहाँ इटली के शुमाल में दरियाए पुकी वादी में आबाद हुए। इसके बाद से आर्याई नस्ल बाशिंदों की आमद जारी रही, जो वस्ती और जनूबी इटली में आबाद हुए थे। ये कबीले अतालवी कहलाए। इनमें मशहूर कबीला लातीनी कहा जाता था। इन अतालवी कबीलों के इलाके का नाम लातियम पड़ा। 1000 कबल मसीह में एशियाई कोचक से मखलूत नस्ल कबीले जो एट्रोस्कन कहलाते थे इटली में आबाद हुए। ये पहले से मौजूद बाशिंदों से ज़्यादा महज़ब और तरक्की याफ्ता थे। ये तिजारत पेशा लोग थे और उन्होंने इटली में शहरी रियासतें कायम की। 7वीं सदी कबल मसीह में इटली के साहिली इलाकों सिसली और कई दूसरे इलाकों में यूनानी आबाद हुए। यू 6वीं सदी कबल मसीह तक इटली में 3 अहम लोग आबाद हो चुके थे। शिमाली इटली में एट्रोस्कन, वस्ती और जनूबी इलाकों में इतालवी कबीले और जनूबी साहिली इलाकों में यूनानी नस्ल के बाशिंदे आबाद हो चुके थे। इनमें एट्रोस्कन बाशिंदों ने अपने इलाके में शहरी रियासतें बनाकर बादशाहत कायम कर ली, जबकि अतालवी कबीले आपस में बरसरे पेकार थे। लाथियम और एट्रोस्कन इलाकों में तिजारती ताल्लुकात के बायस अमदुरब्त के नतीजे में लाथियम की पहाड़ी सरहद पर 7 गांव बस गए, जो बतदरीज रोम के शहर में तब्दील हो गए। इस शहर का इंतज़ाम लातीनियों के पास था और यूँ ये इनका अहम शहर बना। इलाके लातियम के 30 के करीब शहरी रियासतों के इत्तेहाद लातियम लीग का बिलाखिर रोम कायद बना। एक ज़माने में एट्रोस्किन्स कबीले ने रोम पर कब्जा कर लिया, मगर 509 कबल मसीह में इसके आखिरी बादशाह को निकाल कर रोम के बाशिंदों ने दोबारा अपनी हुकूमत कायम कर ली। रोम के बहैसियत जमहूरिया और मुस्तनद तारीख का आगाज 509 कबल मसीह से होता है, जब यहाँ बादशाहत ख़त्म हुई और जमहूरियत ने जन्म लिया। रोम में 509 कबल मसीह में एट्रोस्किन बादशाहत के खात्मे से जमहूरियत की इब्तिदा हो चुकी थी, जिसके साथ साथ उमरा और अवाम के दरमियान अंदरूनी सतह पर हुकूक की जंग भी जारी रही थी। 495 कबल मसीह था 287 कबल मसीह के दौरान मुख्तलिफ अवाम दोस्त कानून साजी से जमहूरियत काफ़ी मुस्तहकम हो चुकी थी।
जबकि इसी दौरान रोम की रियासत को बिरूनी हमलावरों से भी मुकाबला करना पड़ा। अतालवी शहरों का इत्तेहाद 493 कबल मसीह से रियासत रोम की ज़ेरे क़यादत कायम था। 390 कबल मसीह में इस इत्तेहाद का इटली के शुमाल के एक बर्बर कौम गाल के हमले का सामना करना पड़ा। उन्होंने इलाके के काफ़ी बड़े हिस्से को जला दिया। इस मुसीबत के ख़त्म होने के बाद रोम की असर नौ तामीर की गई। अब रोम एक नई ताकत के साथ उबर कर हमसाया इलाकों पर कब्जा करने लगा। रोम की बढ़ती ताकत के बायस लातीनी इतिहाद की दूसरी रियासतों के साथ जंगों का आगाज हुआ। 339 कबल मसीह तक जारी इन जंगों में रोम की पतायाबी से बाकी लातीनी शहरों पर रोम की बालादस्ती कायम हुई। यूं यहां से रोम की सल्तनत का आगाज हुआ।